दोस्तों, खेल का मैदान तैयार है। खिलाड़ी अपनी पोजीशन ले चुके हैं और पूर्वी ड्रैगन यानी चाइना का चयन छिन गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस देश की जो अक्सर भारत को कमजोर करने के तरीके ढूंढता रहता है, मगर हर बार भारत के तीखे डिप्लोमेटिक मूव्स उसकी चाल को नाकाम बना देते हैं। अब एक और जबरदस्त कदम उठाया गया है जो भारत के दुश्मनों की सियासी जमीन को हिलाकर रख देगा। ये कदम उठाया है दुनिया के सैंक्शंस किंग ने, भारत के साथ मिलकर जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का पूरा मंजर बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, क्वाड का पुनर्जन, ट्रंप का, जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर एक नए मोड का आगाज हो चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आए तो उनका एजेंडा एकदम साफ है, क्वाड को फिर से मजबूत करना और उसका असर पहले से ज्यादा बढ़ाना। क्वाड जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन है, उसकी सोच से ही चीन का कांप उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार जिस स्केल और इंटेंसिटी से यह रिवाइवल हो रहा है, वो सिर्फ आम लोग ही नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP भी समझने में असफल है। कुछ दिन पहले जो खबर सिर्फ एक अफवाह थी, वो अब सच है। जापान के ट्रूप्स जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एयरबेस में डिप्लॉय होने वाले हैं। ये डिप्लॉयमेंट ऑफिशियली अप्रूव हो चुका है और ये एक नए मिलिट्री कॉपरेशन का आगाज है। जापान के ट्रूप्स के पहुंचने के बाद चीजें और तेज होती दिखेंगी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। डार्विन नेवल बेस एक मिलिट्री हब बनने जा रहा है, जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेवल फोर्सेस एक साथ रिगरस एक्सरसाइजेस और ज्वाइंट ट्रेनिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव, एक आने वाले समय में चाइना के खिलाफ किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार रहना। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ चाइना की नेवल एक्टिविटीज को रोकने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ओवरपावर करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। दोस्तों, इसके इम्प्लीकेशंस काफी बड़े हैं। डार्विन को इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन का लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। ये डेवलपमेंट चाइना के लिए अलार्म बजाने वाली बात है। इसका प्रमाण मिला जब CCP के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो जापान के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को डेंजरस शिफ्ट और रिस्की मूव बता रहा है, जो शायद इन्वॉल्व्ड कंट्रीज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने इससे एक कदम आगे बढ़कर डार्विन की तुलना वर्ल्ड वॉर टू के अमेरिका के पेरल हार्बर से कर दी। थोड़ा हिस्ट्री में झांकते हैं। पर्ल हार्बर तब के अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस था, जहां अमेरिका की लगभग 30 नेवी तैनात थी। ये दुनिया भर में प्रशंसित और डराया गया एक नेवल पावर हाउस था, खासकर जापान के लिए। तब जापान ने एक डेरिंग और कैटेस्ट्रॉफिक मूव करते हुए पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा अमेरिकन सेलर्स मारे गए और US नेवी क्रिपल्ड हो गई थी। ये अटैक अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में खींच लाया था। दोस्तों, अब चाइना उसी हिस्टोरिकल नैरेटिव को अपनाते हुए ये इंसिन्यूएट कर रहा है कि वो भी डार्विन के अगेंस्ट ऐसे ही एक स्ट्राइक कर सकता है। ये थ्रेट सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि डार्विन के बढ़ते स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक आईना है जो बीजिंग को डराता है। दोस्तों, पर्ल हार्बर के अनलाइक जो सिर्फ US नेवी के अंडर था, डार्विन एक मल्टीनेशनल पावर हाउस बन रहा है। डार्विन पर ऑस्ट्रेलियन नेवी तो पहले से ही तैनात है, अब जापान के फोर्सेस भी ज्वाइन कर रहे हैं और US एक्टिवली अपने मिलिट्री के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन डेवलप कर रहा है। इसके अलावा फाइटर जेट्स के लिए एक स्पेशल एयरबेस बन रहा है जो तीनों देशों के एयरफोर्सेस के लिए ज्वाइंट ऑपरेशंस का हब बनेगा। दोस्तों, डार्विन ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न मोस्ट टिप पर स्थित है, जहां से साउथ चाइना सी के ऊपर नजर रखना आसान है। यह जगह ताइवान के भी काफी करीब है, जो इसे इंडो पैसिफिक ऑपरेशंस के लिए एक फ्यूचर कमांड सेंटर बनाता है। दोस्तों, अब तक भारत ऑफिशियली डार्विन इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन भारत की आंखें इस डेवलपमेंट पर टिकी हुई हैं। अगर चाइना भारत के अगेंस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट या टेरिटोरियल इशू एस्केलेट करता है, तो डार्विन में भारत का शामिल होना लगभग तय है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि भारत डार्विन में अपने नेवी के लिए एक सेक्शन डेवलप करने का प्लान कर रहा है। दोस्तों, इसके पहले भी भारत के वॉरशिप्स डार्विन में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज में शामिल हो सकते हैं। ये कोलैबोरेशंस सिर्फ भारत की नेवल कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि क्वाड के साथ उसके टाइज को और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना इस ड्रामा का एक मेजर ट्विस्ट हो सकता है। चाइना के लिए उनकी टफ पॉलिसीज सबको याद होंगी। ट्रंप का लीडरशिप क्वाड में एक नई जान डाल सकता है।
हाई लेवल मीटिंग्स, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स और मिलिट्री एंगेजमेंट्स तीनों बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे। फोकस अनडाउटेडली नेवल कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने पर रहेगा, जिसमें डार्विन एक ऑपरेशनल हब बनेगा। दोस्तों, डार्विन अब इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के फ्यूचर को शेप करने में एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा, कोऑर्डिनेशंस के इन्वेस्टमेंट्स और डिप्लॉयमेंट्स के स्केल से। ये बात साफ है, ये डेवलपमेंट चाइना के लिए एक वेकअप कॉल है कि उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज का जवाब एक यूनाइटेड और फॉर्मिडेबल रिस्पॉन्स के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों, अगले कुछ महीने इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। क्वाड के मूव्स सिर्फ रीजन के पावर डायनामिक्स को रीडिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि चाइना के डोमिनेंस के एम्बिशंस को भी डायरेक्टली चैलेंज करेंगे। दोस्तों, यहां डार्विन की भूमिका खत्म नहीं होती। ये आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बनने जा रहा है। इसकी विशेष भौगोलिक स्थिति इसे न सिर्फ चाइना बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक पर निगरानी रखने के लिए आदर्श बनाती है। डार्विन के पास एक अत्यधिक आधुनिक सर्वेलेंस और रेडार सिस्टम लगाया जा रहा है, जो साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में होने वाली हर गतिविधि को पल पल कैप्चर कर सकता है। यह कदम क्वाड देशों को चीनी नौसेना और वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रखने और समय पर काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, क्वाड के इस नए मिलिट्री फ्रेमवर्क में डार्विन का महत्व सिर्फ लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री ड्रिल्स तक सीमित नहीं है। इसके जरिए क्वाड देशों की यूनिफाइड डिफेंस स्ट्रैटेजी और भी मजबूत हो रही है। डार्विन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां नए और उन्नत डिफेंस टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान हो सके। यह भी मुमकिन है कि भविष्य में क्वाड द्वारा विकसित किए जा रहे साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स का परीक्षण यहीं से किया जाए। ये चाइनीज साइबर अटैक्स को रोकने और डिजिटल वॉरफेयर के क्षेत्र में क्वाड की बढ़त को पुख्ता करेगा। दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की मैरिटाइम एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को डार्विन से सबसे बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। हाल के वर्षों में चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, जहां उसने मिलिट्री बेसिस स्थापित किए हैं। यह कदम रीजन के छोटे देशों के मैरिटाइम सॉवरेंटी के लिए खतरा बना हुआ है। डार्विन का सक्रिय होना न केवल चीन के इन अड्डों को सीधे चुनौती देगा, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक दृढ़ मिलिट्री प्रेजेंस भी स्थापित करेगा। दोस्तों, डार्विन केवल मिलिट्री एस्पेक्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्वाड देशों के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एंगेजमेंट का भी सिंबल बनता जा रहा है। ये जाहिर है कि क्वाड अब सिर्फ एक डिफेंस अलायंस नहीं है, बल्कि इसके जरिए सभी चार देश इंडो पैसिफिक में ट्रेड सप्लाई चेन्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बारे में क्या सोचना है? क्या डार्विन एक नया पर्ल हार्बर बनेगा या एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ और डिटरेंस का प्रतीक बनेगा? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।